हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट आर एक्सरसाइज 2.2 क्लास 7 मैथ्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 1/4 ऑफ 1/4, 3/5, 4/3। इसका मतलब क्या है कि 1/ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, कि 1/4 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को इससे भी करना है, 1/4 को इससे भी करना है, तो इसके अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। जस्ट लाइक 1/4 ऑफ 1/4, देन आफ्टर 1/4 ऑफ 3/5 इट्स सेकेंड पार्ट एंड इट्स थर्ड पार्ट। क्या बनेगा, 1/4 ऑफ 4/3। अब जहाँ पे ऑफ होता है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो ये वन का तो अब इसमें कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है, तो सिंपली हम इनसे क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ 1, 4 4 ज़ 16, ये आपका आंसर आ गया। इधर 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/5। अब हम क्या देख रहे हैं, 3 और 4 भी सेम टेबल पर नहीं जा रहे, 3 और 5 भी सेम टेबल पर नहीं जा रहे हैं, यानी कि ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। जब आपस में कैंसिल नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे, तो 4 5 ज़ 20। सेम हियर 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 ये वाला 4 और जो नीचे वाला 4 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी कि 4 के टेबल पर ये भी 1 पर गया और ये भी 1 पर गया। सेकंड भी हम ये बोल सकते हैं, 4 1 ज़ 4, और अब ऊपर क्या बचा अपने न्यूमरेटर में, 1 × 1 1, 3 1 ज़ 3, इट्स योर आंसर। नाउ इस सेकंड पार्ट, सेम हियर 1/7 ऑफ 2/9, 6/5, 3/10, तो हम इसको अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, 1/7 ऑफ 2/9, सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 3/10, ठीक है। अब हम ऑफ की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा है, मींस कि जो 2 और 7 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं और 2 और 9 भी नहीं जाते हैं, तो सेम 2 1 ज़ 2, 9 7 ज़ 63, 1/7 मल्टीप्लाई 6/5। 6 का 7 से कोई भी मतलब आपस में कोई रिलेशन, मतलब कोई भी सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, ऐसे ये 6 और 5 भी सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 1 ज़ 6, 7 5 ज़ 35, ऐसे ये 1/7 मल्टीप्लाई 3/10, तो 3 और 7 भी सेम टेबल पर नहीं जाते और 3 और 10 भी नहीं जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को नीचे से, 7 10 ज़ 70, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम ही ऐसा करना है, बस इसमें हमें क्या दिया है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, देन आफ्टर हमें करना इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, सेम वही कैंसिल करेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पे करेंगे प्लस, 4 2 ज़ 8 और 3 कितना हो गया, प्लस करेंगे 11। अब क्या करेंगे, हम क्या देखें, 2 और 3 सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, तो हम इधर देख लेंगे, 2 और 8 तो जाते हैं, हाँ ये 2 के टेबल पर 1 पर गया और ये 4 पर गया, एक एक तो भी ये है। सेकेंड में क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4 ज़ 8, इस वे से भी हम कर सकते हैं। और इधर क्या बचा है, 11 और 3, ये दोनों सेम टेबल पर नहीं जाते हैं, तो सेम हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 11 1 ज़ 11, 3 4 ज़ 12। अब हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पर अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं होगा तो इसको हम यही छोड़ देंगे। सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या था, 4 था, 8 नहीं आना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4, सॉरी, ठीक है। 2 1 ज़ 2, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 4 आएगा, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4,
इलेवन वन ज़ा इलेवन, इलेवन टू ज़ा सिक्स, सॉरी मिस्टेक हो गई है, मैं दोबारा समझा देती हूँ, देखो दोबारा क्लियर कर देती हूँ। तो पहले क्या करना है, टू बाई थ्री लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा, टू फोर ज़ा एट प्लस थ्री, इलेवन आ गया ऊपर, और जो नीचे होता है ये वाला डिनोमिनेटर में इसको ऐसे लिखना होता है, तो यही टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, इलेवन बाई सिक्स आ गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन करके, वन फाइव बाई सिक्स आंसर क्या आएगा, वन फाइव बाई सिक्स। अब मेरे को कैसे पता चला कि ये मेरी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है, मतलब ऊपर बड़ा आना चाहिए और नीचे छोटा आना चाहिए, तो इससे मेरे को पता चला कि मेरी मिस्टेक थी कि यहाँ पे एट नहीं आना था, इसलिए। नाउ अब हमने क्या करना है, सेम हियर, इट्स सो सिंपल, सेवन के साथ सेवन कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या बचा, वन, इधर भी वन लगा दो, टू वन ज़ा टू, नाइन वन ज़ा नाइन। नाउ पार्ट थ्री, थ्री बाई एट, सिक्स बाई फोर आंसर लिखेंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिखा था। अब देखो थ्री का एट से कोई रिलेशन, मतलब क्या है कि दोनों सेम टेबल पर नहीं जाते, थ्री और फोर भी नहीं जाते हैं। अब इधर से देख लेते हैं, सिक्स और एट तो जाते हैं टू के टेबल पर, ये कितने पर गया, थ्री पर, और ये गया फोर। अब हम क्या देख रहे हैं, कई बच्चे ऊपर को ऊपर से कैंसिल कर देते हैं, वो गलत होता है, ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई ही करना होता है, तो इसका क्या बनेगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन और फोर फोर ज़ा सिक्सटीन। नाउ फाइव पार्ट, देखो अब हम क्या देख रहे हैं, नाइन और फाइव सेम टेबल पर नहीं जाते हैं और थ्री और फाइव भी नहीं जाते हैं, तो सेम क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, इट्स योर आंसर। अब इधर वाला वन बाई थ्री इंटू फिफ्टीन बाई एट, अब हम क्या देखें, थ्री और फिफ्टीन थ्री के टेबल पर जाते हैं, ये वन पर गया और ये फाइव पर गया, फाइव वन ज़ा फाइव बाई एट। नाउ नेक्स्ट, देखो इलेवन और टू की सेम टेबल पर नहीं जाते और इलेवन और टेन भी नहीं जाते हैं, ऐसे सेम थ्री और टू भी नहीं जाते और थ्री और टेन भी नहीं जाते हैं, तो आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री और टू टेन ज़ा ट्वेंटी, इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री और टू टेन ज़ा ट्वेंटी।